नहीं किसी से भीख मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। वापस करो, वापस करो, वापस करो, वापस करो। प्यारे साथियों, ये फर्स्ट ग्रेड की वो अभ्यर्थी है जो 700 पद बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और पद बढ़ाए कौन से, बढ़ाने की मेरे हिसाब से मांग नहीं है, मांग वही है कि जो घटाए गए थे, जो अधिसूचना जारी हुई थी कार्य विभाग की, कि जो एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को जो दिया गया था वो शेडो पोस्ट क्रिएट की जाएगी। जबकि आरपीएससी की सबसे बड़ी लापरवाही थी कि मूल पदों में कटौती की गई। ये कह रहे हैं उन मूल पदों को वापस जोड़ा जाए 700 पदों, जिसको लेकर आज दूसरे दिन भी धरना जारी है। और जो अभ्यर्थी घर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हमारा नंबर नहीं आया, कुछ पॉइंट से ले गए। भाई रजाई से तो बाहर निकलना पड़ेगा, ये क्या यहाँ नहीं बैठे, ये भी संघर्ष कर रहे हैं ना। इसलिए आप लोग सब एकजुट रहो, आओ, आपका मामला अच्छा है, आपका लीगली मामला है, अनलीगली मामला नहीं है। और कल इनके डेलीगेशन की मुख्यमंत्री जी के अधिकारी से वार्ता होगी, मैं भी कोशिश करूँगा इनके साथ जाकर इनकी बात करने की। पहले प्रयास किया था तो वो तमाम वो साथी जो घर बैठे हैं इनके साथ शामिल हो, उनको सपोर्ट करा दे। मुझे जहाँ भी बुलाओगे मैं आपके साथ रहूँगा। कल ज़्यादा से ज़्यादा आकर इनको मजबूत बनाए, इनका साथ दो, आप सब मिलकर इस लड़ाई को जीतोगे तो आपके सपने साकार होंगे। धन्यवाद। संस्कृत में बढ़ाई है, आईटीआई वाइस प्रिंसिपल में बढ़ाई है, और सहायक वन रेंजर में बढ़ाई है, और स्टेनोग्राफर में बढ़ाई है, तो हमारी स्कूल व्याख्या में क्यों नहीं बढ़ाई गई? ये 14% पद बढ़ने चाहिए हमारे। यदि सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो हम अंतिम विकल्प के रूप में सड़कों पर उतरकर संघर्ष करेंगे। पहले हम अनुनय विनय कर रहे हैं, गांधीवादी तरीके से हम सरकार तक बड़ी बात पहुँचा रहे हैं। नहीं कर रहे तो हम फिर सड़कों पर उतर के आंदोलन करेंगे, तो वो इसलिए सरकार हमारी बात सुनी जाए। आंदोलन ये अविराम होगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। जितनी सी